हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स बता दें कि इंडिया वर्सेस श्रीलंका नेक्स्ट ओडीआई मैच भारत और श्रीलंका के बीच तीन मैचों का सीरीज का दूसरा मैच 12 जनवरी को खेला जाएगा। रोहित शर्मा की कप्तानी में होने वाला दूसरा मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला जाएगा। इससे पहले भारत ने 10 जनवरी को खेले गए पहले मैच में श्रीलंका को 67 रन से हराकर सीरीज में 1-1 बना ली है। भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा मैच दोपहर 1:30 से शुरू होगा। इसके बाद सीरीज का आखिरी और तीसरा मुकाबला 15 जनवरी को खेला जाएगा और यह मैच तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। वहीं फ्रेंड्स, ईडन गार्डन पिच रिपोर्ट की बात करें तो कोलकाता के ईडन गार्डन में पहली इनिंग में बनने वाले स्कोर का औसत 245 रन है, जबकि दूसरी पारी में औसत स्कोर 206 रन रहा है। बैटिंग और बॉलिंग के लिहाज से पिच काफी बेहतर है, हालांकि सीमर्स को ज्यादा मदद मिलने की भी उम्मीद है। ईडन गार्डन पर पहले बैटिंग या बॉलिंग, ईडन गार्डन के मैदान पर अब तक 32 मुकाबले खेले गए हैं। इसमें 19 मैच में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम की जीत मिली है, जबकि 12 मुकाबले में पहले गेंदबाजी करने वाली टीम को जीत मिली है। फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। वहीं बात करें तो इंडिया वर्सेस श्रीलंका सेकंड ओडीआई भारतीय क्रिकेट टीम और श्रीलंका के बीच दूसरा ओडीआई मैच 12 जनवरी से खेला जाएगा और जबकि मुकाबले की वनडे इंटरनेशनल सीरीज शुरू हुई है। सीरीज का दूसरा मुकाबला 12 जनवरी 2023 को ईडन गार्डन कोलकाता में खेला जाएगा। यह मुकाबला दोपहर 1:30 शुरू होगा। वहीं फ्रेंड्स, बात करें तो भारत बनाम श्रीलंका दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले की, तो वहीं विकेट कीपर कुशल मैंडिस, बल्लेबाज रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल और दासुन सना का ऑलराउंडर की बात कर तो हार्दिक पांड्या, धनंजय डिसिल्वा, अक्षर पटेल है। वहीं गेंदबाजी की डिपार्टमेंट की बात कर तो मोहम्मद सिराज, कसुन राजीथा, उमरान मलिक हैं। वहीं फ्रेंड्स, दोनों टीमों की फाइनल प्लेइंग 11 की बात कर तो संभावित प्लेइंग 11, भारतीय क्रिकेट टीम की संभावित प्लेइंग 11 की बात कर तो रोहित शर्मा कप्तान, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल विकेट कीपर, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, मोहम्मद शमी, उमरान मलिक, मोहम्मद सिराज, युजेंद्र चहल है। यह है भारत का प्लेइंग 11। वहीं फ्रेंड्स, श्रीलंका की संभावित प्लेइंग 11 की बात कर तो पथुन निशंका, कुशल मैंडिस विकेट कीपर, अविष्का फर्नांडो, धनंजय डिसिल्वा, चरित असलंका, दासुन सना का कप्तान, वासिंदु हसरंगा, चमिका करुड़ा रत्ने, डुनित वेलालेच, कासुन राजीथा, दिलशान मधुसंका। यह है दोस्तों दोनों टीमों का फाइनल प्लेइंग 11। वहीं बात करें तो टीम इंडिया और श्रीलंका कितनी बार ईडन गार्डन में भिड़े हैं। टीम इंडिया और श्रीलंका ईडन गार्डन में अब तक 5 भिड़ चुके हैं। इस दौरान भारत ने 5 मुकाबलों में से 3 जीत दर्ज की है और 1 मैच हार का सामना करना पड़ा है। वहीं 1 मुकाबला बेनतीजा रहा है। इस मैदान पर श्रीलंका ने टीम इंडिया को मात दी है, इसलिए भारतीय क्रिकेट टीम मेहमान टीम को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले रही है। बता दें कि ईडन गार्डन में अब तक कुल 32 इंटरनेशनल वनडे मुकाबले खेले गए हैं। अगर श्रीलंका के ईडन गार्डन मैदान में आंकड़ों की बात कर तो टीम यहां अब तक 8 वनडे मुकाबले खेले गए हैं और इसमें से उन्होंने 3 मैच जीत दर्ज की है। वहीं उन्हें 4 मैच हार का सामना भी करना पड़ा, जबकि 1 मैच बेनतीजा भी रहा था। बता दें कि श्रीलंका की इन 3 जीत में से 1 जीत भारत के खिलाफ है। दोनों टीमों के आंकड़ों को देखने से लगता है कि दूसरे वनडे में दोनों टीमों के बीच टक्कर का मुकाबला देखने को मिल सकता है। वही फ्रेंड्स, आपको बता दे तो एक और जरूरी बात, तो ये वही क्रिकेट स्टेडियम है जहां रोहित शर्मा ने श्रीलंका के खिलाफ 264 रन बनाए थे। रोहित शर्मा ने 173 गेंद खेलकर 264 रन का बड़ा स्कोर बनाया था। वही फ्रेंड्स, बात कर तो ईडन गार्डन में टीम इंडिया द्वारा खेले गए वनडे मुकाबले कुल 23 मैच हुए हैं, जबकि इसमें जीत 12 मैच हुई है और हर 8 मैच का सामना करना पड़ा है। वही 2 मैच भी रद्द हुए हैं और 1 मैच बेनतीजा भी रहा है। ईडन गार्डन में श्रीलंका द्वारा खेले गए वनडे मुकाबले की बात कर तो कुल 8 मैच हुए हैं, जबकि 3 मैच जीत और 4 मैच हारा हुआ है और 1 मैच बेनतीजा रहा था। वहीं फ्रेंड्स, बात कर तो ये जो कि 12
जनवरी को यह मुकाबला खेला जाएगा। ईडन गार्डन के मैदान पर 1:30 पर यह मुकाबला शुरू होगा। भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की सीरीज का दूसरा मैच ये होने जा रहा है। रोहित शर्मा की कप्तानी होने वाली दूसरा मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन में बहुत बड़ा मुकाबला होने वाला है, क्योंकि वहीं फ्रेंड्स बात करें तो ओडीआई के लिए ये 2023 में जो कि भारत की मेजबानी में ये ओडीआई वर्ल्ड कप शुरुआत होने वाला है। वहीं फ्रेंड्स बता दें कि पहले मैच में श्रीलंका को 67 रन से हराकर सीरीज में 1 से बढ़त बना ली है। भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा मैच अब 1:30 से शुरू होगा। इसके बाद सीरीज का आखिरी और तीसरा मुकाबला 15 जनवरी को खेला जाएगा और ये मैच तिरुवनंतपुरम में 15 जनवरी को भारत और श्रीलंका के बीच अंतिम मुकाबला ये खेला जाएगा। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।